पढ़ने वाले हैं लेसन फोर। लेसन फोर क्या है हमारा? यूजिंग द माउस। हम लोग माउस को कैसे यूज़ करते हैं हम लोग लेसन फोर में आज सीखने वाले हैं, ठीक है। आज के हमारे चैप्टर का क्या नाम है? यूजिंग द माउस, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं यूजिंग द माउस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ माउस, हमारे माउस के कौन से पार्ट्स होते हैं और इसका क्या क्या काम होता है, हम लोग पहले ये जानेंगे, ठीक है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं राइट बटन। कौन सा पार्ट है ये? राइट बटन। ये कौन सा पार्ट है? राइट बटन, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं, ओके। ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन से हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट क्लिक करते हैं, ठीक है। और ये जो तीसरा आप एक ब्लैक कलर का देख रहे हो, ये एक स्क्रोल बार है। स्क्रोल बार से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने किसी भी स्क्रीन को ऊपर या नीचे इससे स्क्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद जानने वाले हैं माउस पैड के बारे में। माउस पैड क्या होता है? जब आप लोग देखते हो माउस को, जब आप लोग कभी भी माउस को देखते हो, तो वो कहाँ रहता है? एक प्लेन सरफेस पे रहता है। क्या दिक्कत होगा अगर हम लोग माउस को प्लेन सरफेस पे ना रखें तो क्या होगा? तो अगर हम लोग माउस को प्लेन सरफेस पे नहीं रखते हैं तो हमारी माउस ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग के पास ऐसा रहता है, या हम लोग के पास जो टेबल पे प्लेन सरफेस रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? माउस पैड कहेंगे, ओके। अब हम लोग आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारे बुक में दिया गया है यूजिंग द माउस, तो चलो हम लोग इसको पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। माउस इज लाइक अ रैट। क्या कह रहा है? माउस इज लाइक अ रैट। माउस कैसा होता है? एक छोटे से चूहे जैसा होता है, ठीक है। इट इज हेल्ड विद द हैंड। माउस किससे पकड़ा जाता है? माउस हाथों से पकड़ा जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर गिविंग इनपुट टू द कंप्यूटर। माउस से हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है। माउस इज यूज टू, क्या कह रहा है? माउस इज लाइक अ रैट। इट इज हेल्ड विद हैंड एंड इट इज यूज फॉर गिविंग इनपुट टू द कंप्यूटर। माउस क्या है? माउस एक रैट की तरह होता है। ये क्या होता है? हाथों से पकड़ा जाता है और ये हम लोगों को कंप्यूटर को इनपुट देने में मदद करता है, ठीक है। हम लोग और पढ़े माउस के बारे में। ठीक है, हम लोग और जानते हैं माउस के बारे में। आफ्टर होल्डिंग इट विद द हैंड इट इज मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस और पैड। दिस सरफेस इज कॉल्ड माउस पैड। मैंने आपको दिखाया था ना माउस पैड, इसको हम लोग क्या कहेंगे? माउस पैड कहेंगे। ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या कहेंगे? माउस पैड कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही सरफेस, कोई भी फ्लैट सरफेस जहाँ पे माउस को रख के चलाया जाता है, या फिर हम लोग किसी भी एक पैड पे, आप गद्दे जैसा देखोगे जिसके ऊपर एक सॉफ्ट सा रहता है पेपर टाइप का या प्लास्टिक का या कुछ की कोई भी एक हो सकता है, जिसके ऊपर माउस को रख के यूज़ किया जाता हो, आप अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें देखेंगे, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? माउस पैड कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे उसको? हम लोग माउस पैड कहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग और जानने वाले हैं। देर आर टू बटन्स ऑन द माउस। देर आर टू बटन्स ऑन द माउस, ठीक है। वन बटन इज कॉल्ड द लेफ्ट बटन एंड द अदर इज कॉल्ड द राइट बटन। हम लोग के माउस में कौन से दो बटन्स होते हैं? हम लोग के माउस में सबसे पहले ये लेफ्ट बटन होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ राइट बटन होता है, ठीक है। हम लोग ऊपर समझे थे ना, हम लोग माउस के कौन से बटन का क्या यूज़ करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट बटन का यूज़। हाँ, ये रहा हम लोग का लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन से हम लोग लेफ्ट क्लिक करते हैं, ये राइट बटन से हम लोग राइट क्लिक करते हैं, और ये जो स्क्रोल बार है इससे हम लोग स्क्रोल करते हैं, ठीक है।
हम लोग ये समझ गए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लोग कहाँ पे थे? वी गिव आवर कमांड बाय प्रेसिंग दिस बटन्स। हम लोग लेफ्ट या राइट बटन से क्या करते हैं? देयर आर टू बटन ऑन द माउस, वन बटन इज कॉल्ड लेफ्ट बटन एंड द अदर इज कॉल्ड द राइट बटन। वी गिव आवर कमांड बाय प्रेसिंग दिस बटन्स। क्या कह रहा है यहाँ पे? देयर आर टू बटन ऑन द माउस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के माउस में कितने बटन होते हैं? दो बटन होते हैं, ठीक है। वन बटन इज कॉल्ड लेफ्ट बटन, एक जो बटन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट बटन बोलते हैं। एंड द अदर इज कॉल्ड द राइट बटन, जो दूसरा बटन होता है, जो सेकेंड बटन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट बटन कहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? वी गिव कमांड्स बाय प्रेसिंग दीज बटन्स। हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इन बटन्स को प्रेस करके हम लोग क्या करते हैं? माउस के थ्रू कंप्यूटर को कमांड देते हैं, ठीक है। अब देयर इज अ डायगोनल एरो, क्या कह रहा है? देयर इज अ डायगोनल एरो ऑन द स्क्रीन ऑफ मॉनिटर विच इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर, ठीक है। हम लोग जो ये देख रहे हो, ये क्या है? ये एक डायगोनल एरो है, ठीक है। ये क्या है? एक डायगोनल एरो है, और ये क्या करता है? हम लोगों के स्क्रीन को पॉइंट करता है, ठीक है। हम लोग इसको क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माउस पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। आप लोग अभी याद कर लेंगे माउस पॉइंटर किसको कहते हैं। ये जो डायगोनल एरो होता है, ये जो डायगोनल एरो होता है जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को पॉइंट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट टेल्स द पोजिशन ऑफ द माउस वेन द माउस इज मूव्ड ऑन द माउस पैड, ठीक है। हम लोग का क्या करता है? हम लोग का जो ये डायगोनल सा एरो होता है, इट टेल्स द पोजिशन ऑफ द माउस। जो डायगोनल एरो होता है वो क्या कहता है? माउस के पोजिशन को बताता है। जैसे कि मैं यहाँ पे माउस मूव कर रहा हूँ, मुझे ये पेंसिल का पोजिशन बता रहा है ना, मेरी पेंसिल कहाँ है, ठीक है। तो हम लोग इससे अपने माउस के पोजिशन को जान सकते हैं, ठीक है। कब जानेंगे? व्हेन द माउस इज मूव्ड ऑन द माउस पैड। जब भी हम लोग माउस को कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम लोग माउस को माउस पैड पे यूज़ करते हैं, राइट। तो हम लोग जब माउस को माउस पैड पे यूज़ करेंगे तो स्क्रीन पे कैसे पता चलेगा हमारा माउस कहाँ है? तो हम लोग का जो ये एरो होता है, ये जो एरो होता है, इसका काम होता है ये पॉइंट करके बताना कि हम लोगों का माउस अभी कहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। तो पॉइंटर ऑल्सो मूव्स ऑन द स्क्रीन एट द सेम डायरेक्शन। अब ये क्या कह रहे हैं? हम लोग माउस पैड पे, अगर हम लोग किसी भी माउस पैड पे माउस को अप मूव करेंगे, देखिए मैं माउस को अभी ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है? हमारे पेंसिल को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। ये भी एक पॉइंटर की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी एक पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम लोग पेंसिल को ऊपर लेके जा रहे हैं, माउस को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो पेंसिल ऊपर जा रहा है। अगर माउस को हम लोग नीचे लेके जा रहे हैं तो पेंसिल हमारा नीचे जा रहा है, ठीक है। तो दस बाय मूविंग द माउस वी कैन ब्रिंग पॉइंटर एट एनी प्लेस ऑन द स्क्रीन। तो हम लोग माउस को मूव करके क्या कर सकते हैं? पॉइंटर को स्क्रीन के किसी भी प्लेस पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग पॉइंटर को किसी भी प्लेस पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है पॉइंटिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास, दूसरा टॉपिक कौन सा है? दूसरा टॉपिक है हमारा पॉइंटिंग, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे, व्हेन वी ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर अ थिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ मॉनिटर देन इट इज कॉल्ड पॉइंटिंग। अगर हम लोग माउस के पॉइंटर को, अगर मैं इस पॉइंटर को यहाँ पे ले जा रहा हूँ, तो मैं कहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ? मैं इस डिस्प्ले के, मैं इस मॉनिटर के पिक्चर को पॉइंट कर रहा हूँ। तो मैं जब इस पिक्चर के पॉइंट, मैं अगर इस पिक्चर को पॉइंट कर रहा हूँ, किसकी मदद से कर रहा हूँ? मैं इस पॉइंटर के मदद से कर रहा हूँ, राइट। हम लोगों ने अभी तुरंत देखा ना माउस पॉइंटर किसको कहते हैं। तो ये जो छोटा सा एरो होता है, ये जो छोटा सा एरो होता है, ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक छोटा सा एरो है, क्या है? ये एक छोटा सा एरो है, ठीक है। ये जो छोटा सा एरो होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? माउस पॉइंटर कहेंगे। ये देखिए मेरे पास भी एक माउस पॉइंटर है ना, जिससे मैं इस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग माउस पॉइंटर से पॉइंट करते हैं किसी भी चीज़ को, राइट।
when we bring mouse pointer over a thing on the screen of the monitor, then it is called pointing. अगर मैं यहाँ पे इस मॉनिटर को पॉइंट कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉनिटर की पॉइंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लिकिंग। हम लोग किस पे जा रहे हैं, क्लिकिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। व्हेन वी प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन क्विकली इट इज कॉल्ड क्लिकिंग। अगर मैं अपने माउस के लेफ्ट बटन को अगर मैं अपने माउस के इस बटन को अगर लगातार मैं एक या दो बार क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये हम लोग इसको क्लिकिंग कहेंगे, ठीक है। मेनी टाइम्स वी क्लिक लेफ्ट बटन ट्वाइस। अब हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग कितने बार प्रेस करते हैं इस बटन को, हम लोग कई बार लेफ्ट बटन को दो बार प्रेस कर देते हैं, राइट। हम लोग कई बार लेफ्ट बटन को दो बार प्रेस करते हैं, ये देखिए मैंने दो बार प्रेस किया, फोर टाइम्स हो गया, ठीक है। हम लोग कई बार इस लेफ्ट बटन को दो बार प्रेस करते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्लिकिंग कहेंगे और डबल क्लिकिंग कहेंगे, ठीक है। तो डबल क्लिकिंग हम लोग किसको कहेंगे, अगर हमने मैनी टाइम्स वी क्लिक लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दो बार, ठीक है। तो बहुत बार हम लोग इस माउस के लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक करते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी, क्विकली मतलब क्या होता है, तेज़ी में। अगर हम लोग माउस के लेफ्ट बटन को तेज़ी में दो बार क्लिक करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड डबल क्लिकिंग, ठीक है। हम लोग डबल क्लिकिंग किसको कहेंगे, अगर हम लोग माउस के लेफ्ट बटन को दो बार लगातार क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डबल क्लिकिंग हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही समटाइम्स वी क्लिक राइट माउस बटन ऑल्सो इट इज कॉल्ड राइट क्लिकिंग। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग लेफ्ट बटन को क्लिक कर रहे हैं तो लेफ्ट क्लिकिंग हो रहा है, अगर लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक कर रहे हैं तो डबल क्लिकिंग हो रहा है, और अगर हम लोग राइट बटन को क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, राइट क्लिकिंग हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, हाँ। फिर आगे चले हम लोग, ठीक है, हम लोग आगे चलने वाले हैं सेलेक्टिंग के ऊपर। सेलेक्टिंग के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं, वी कैन सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ मॉनिटर बाय पॉइंटिंग इट बाय माउस पॉइंटर एंड क्लिकिंग, ठीक है। क्या कह रहा है, हम लोग स्क्रीन पे पड़े हुए किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं माउस के पॉइंटर को पॉइंट करके और क्लिक करके। वी कैन सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, हम लोग किसी भी वस्तु को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे, ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर, हम लोग मॉनिटर के स्क्रीन पे, बाय पॉइंटिंग इट बाय माउस पॉइंटर एंड क्लिकिंग। हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, माउस के पॉइंटर से पॉइंट करके, क्लिक करके। चलो मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखाऊं, मैं दिखाऊं कैसे हम लोग सेलेक्टिंग करते हैं, ठीक है। हमने पॉइंटर ले लिया है और हम लोग अभी देखिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखिए पार्ट्स ऑफ माउस यहाँ लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँ, देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने से क्या क्या हो रहा है, पार्ट्स ऑफ माउस का कलर चेंज हो रहा है, पहले ये कलर था और सेलेक्ट करते ही क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ माउस का कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको सेलेक्टिंग कहेंगे, ठीक है। फिर अगला है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, क्या है अगला, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। टू मूव द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन वी मूव द माउस पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट एंड प्रेस द लेफ्ट बटन, मूव द माउस ऑन द पैड कीपिंग द बटन प्रेस्ड एंड देन रिलीज द बटन। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टू मूव द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, अगर हम लोग को स्क्रीन पे किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, वी मूव द माउस पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट, हम लोग क्या करते हैं, माउस के पॉइंटर को उस ऑब्जेक्ट पर मूव करके ले जाते हैं, एंड प्रेस द लेफ्ट बटन, मूव द माउस ऑन द पैड कीपिंग बटन प्रेस्ड, हम लोग क्या करते हैं उस लेफ्ट बटन को, लेफ्ट बटन हम लोग किसको कहेंगे, ये देखिए ये हमारा लेफ्ट बटन है ना, हम लोग इस लेफ्ट बटन को प्रेस करके अगर हम लोग मूव करते हैं तो हम लोग इसको मूव करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैगिंग कहेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको ले जाके एक जगह पे हम लोग उस लेफ्ट बटन को छोड़ देते हैं,
जैसे ही छोड़ेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना बंद कर देगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रॉपिंग कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग समझ लिए। हम लोग किसको कहेंगे ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, चलिए मेरे साथ बोलिए, टू मूव द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जो भी हम लोग स्क्रीन पे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, वी मूव द माउस पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट एंड प्रेस द लेफ्ट बटन, मूव द माउस ऑन द पैड कीपिंग द बटन प्रेस्ड एंड देन रिलीज द बटन। ठीक है, टू मूव, हम लोग क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माउस के पॉइंटर को ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। लेफ्ट बटन कौन सा है मुझे कौन बताएगा? हाँ ये है लेफ्ट बटन। ठीक है, हम लोग जब लेफ्ट बटन को प्रेस करके किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ड्रैगिंग कहलाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, रिलीज का मतलब छोड़ देना होता है, तो जैसे ही हम लोग इसको ले जाके रिलीज करते हैं बटन को, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, मूविंग द माउस कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस्ड इज नोन एज ड्रैगिंग। देखिए हमने ऊपर अभी तुरंत पढ़ा था ना, हम लोग माउस को अगर किसी भी तरह से लेफ्ट बटन को क्लिक करके अगर मूव करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इसको ड्रैग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रैगिंग कहेंगे। और व्हेन वी रिलीज द बटन आफ्टर ड्रैगिंग इट इज कॉल्ड ड्रॉपिंग। तो जैसे ही हम लोग बटन को रिलीज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ड्रॉपिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी के क्लास में इतना ही करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग इस लेसन के सारे एक्सरसाइजेस को